अस्सलाम वालेकुम। अभी कितने बजे हैं? 9:05। वही वजू कर रही थी। और ये देखो ना, जैसे मैं बिस्तर से उठ के बाहर जाती हूँ, ये सुबह तो ये लोग सोए रहते, क्योंकि सुबह एकदम स्लो आवाज़ में दरवाज़ा खोलती हूँ वजू करने को। इनका एक मैंने मुट्ठा लाई थी इधर से, क्या बोलते हैं, अजमेर से। ये देखो, ये इनका बिस्तर। और बच्चे तो आपको पता है बाहर सोते, जैसे ही मैं बिस्तर से उठती हूँ, जैसे ये देखो कितनी मस्ती चल रही है, देखो इन लोगों देखो अच्छा लगता है ना इन लोगों को देख के, क्या बताऊँ आपको। हमें तो आंखों से इनको देखते रहती रूबरू इनकी मस्ती। देखो देखो कितनी गुलाटियाँ चालू हो, और जैसे मैं बस दरवाज़ा खोली आके, या मैं फिर यहाँ नीचे भी बैठूंगी ना नमाज़ पढ़ने, तो भी मेरे पीछे जैसे टेका लगा के बैठेंगे। इतनी अच्छा लगता है इन लोगों की मस्ती, इन लोगों की सब चीज़ें देख के। और आप कैसे हो? माशाल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और मैंने एक वादा करी हूँ, इंशाल्लाह वो वादे मैं एक्चुअली यूट्यूब का ब्लॉग जब बनाती हूँ तो कल बनाती हूँ एक दिन पहले, तो वो आपके पास एक दिन बाद ही आता है। तो मैंने एक वादा करी हूँ, इंशाल्लाह वो लास्ट है, इसके बाद तुम्हारी सायरा आंटी ऐसे नहीं रहेगी। और आज पता है कितना पारा चल रहा है? 6 दिन हो गए आज मेरे कलाम पाक को शुरू करके। और माशाल्लाह अमीन भी शुरू किया है थोड़ा थोड़ा, और मैं तो कर ही रही हूँ जो भी मैं कर सकती हूँ। अल्लाह बस ऐसी कायम रखे और ऐसी घर में ये सब चीज़ें होती रहे। देखो इनकी इतनी मस्ती चल रही है, इतनी मस्ती चल रही है बताओ। और बस अल्लाह से यही दुआ है परवरदिगार से कि अल्लाह सब जो भी मतलब चाहत रखते हैं अल्लाह से, कि दीन में रहना और घर में अच्छी कमाई का ज़रिया, फैमिली में सुख और शांति, और दिल की कोई ख्वाहिशें भी रहती है जो अल्लाह पाक से हमेशा इंसान मांगते रहता है। तो बस यही नीयत है मेरी कि अल्लाह आपके हर चीज़ कबूल करे, अता करे, और मेरी भी, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता है। और दुख हो, सुख हो, इज्जत हो, जिल्लत हो, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं दे सकता। बस ये होता है कि एक हेला लग जाता है कि जैसे कि होता ना, हमको मौत आ गई, सडनली हम अच्छे से चल रहे और अचानक हमें मौत आ गई, अरे ये यहाँ पे ठोकर लगा और वो गिर गए और इनको मौत आ गई। बात सिर्फ हेले की होती है, बट वो मुकर्रर होता है, अल्लाह वो चीज़ मुकर्रर करे होते हैं कि ये चीज़ होनी है, पर वो एक बोलते ना कि एक बहाना या एक हेला लग जाता है। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ हेला रहता है ज़िंदगी में। और चलिए अच्छी बातों के साथ, अच्छी नीयत के साथ, और इंशाल्लाह आज बहुत अच्छी जगह जाने का मैंने डिसाइड करी हूँ, तो आपको तो दिख ही जाएंगे मेरे वीडियो के ज़रिए और मेरे ब्लॉग के ज़रिए इंशाल्लाह। तो चलो दुआ में याद, और अल्लाह आप सबको हर चीज़ हासिल करे, हर चीज़ अता करे, और हमेशा आपको देने वालों में शुमार रखे। अल्लाह हाफिज़।